सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी बाईपीसी सीईसी एमईसी एमसेट एंड नीट इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005 अफोर्डेबल फीस स्पेशियस क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड लैब्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीनिक सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद जंग में दिन ब दिन आती जा रही शिद्दत के दरमियान अब यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर किरसून में एक दरिया पर बनाए गए अहम तरीन डैम को तबाह करने के इल्जाम आयद किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक डैम का एक हिस्सा तबाह होने से जनूबी यूक्रेन में एक बड़ा इलाका ज़ेर आब आने का अंदेशा है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं जिनमें डैम का तबाह होने वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। ये डैम लगभग 95 फुट बुलंद और 3 किलोमीटर तवील है। ये डैम दरियाए निप्रो पर साल 1956 यानी 1956 में कायम किया गया था। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने डैम की तबाही को रूस का घिनौना जंगी जुर्म करार देते हुए कहा कि इस डैम की तबाही यूरोप में कई दहाइयों में टेक्नोलॉजी की बड़ी तबाही है। दूसरी जानिब रूस ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन की फौज के मशरिकी डोनेस्क में किए गए एक बड़े हमले को नाकाम बनाया है। Вот это нихера, земля под ногами затряслась. Кран, смотри, падает. Все смывает на пути. Да нормально все.